चलिए तो हम लाइव हो चुके हैं आवाज़ आ रही है सुन पा रहे मुझे फटाफट फड़ से बताओ मेरे भाई आवाज़ आ रही है ऑडियोबल वेजिबल कहानी स्टार्ट करते हैं फटाफट फड़ से गुड नाइट बोल रहा है अभी गुड नाइट बताओ क्या होता है जाते हैं तो क्या होता है गुड नाइट मिलते हैं तो वो क्या होता है आपका गुड इवनिंग होता है गुड नाइट नहीं होता आपका ठीक है मेरे भाई चलो स्टार्ट करें ओके 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 ओके, ओके, ओके. कोई दिक्कत है किसी को क्लियर है ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे क्या एडियम्स और वन वर्ड जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ रहा है बार बार एनडीए की बात कर दस क्वेश्चन आते हैं आपके और बात करूं मैं आपके एस एस की तो तीन तीन क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा आपके एंड किससे ए डी और आपके वन वर्ड से ठीक है तो एक फटाफट से कमेंट कर दो क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है आप सुन पा रहे हो मुझे आप देख पा रहे हो मुझे फटाफट उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करते हैं हमारी ठीक है मेरे भाई चेक करें चलो तो इंग्लिश सीखेंगे बड़े प्यार से तो पहला पार्ट हमारा क्या है ए डी एम्स आपसे पूछ रहा है तीन क्वेश्चन और एनडी में आते हैं दस क्वेश्चन तो ये दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपके लिए कौन सी बात काम आएगी ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपके लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ गए बात को क्या नाम उसका हमारा एडियम्स नाम है स्टार्ट करें इसको तो स्टार्ट करने से पहले बताओ क्या बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्या आज का कार्यक्रम स्टार्ट करवाया जाए जल्दी से फटाफट नमस्ते यूनिक भाई क्या हाल है मेरा भाई मुकेश वर्मा परनिश् मिश्रा यस सर देखो पहला क्या आपके लिए तो टाइम वेस्ट बिना किए करते हैं फटाफट से काम स्टार्ट हमारी तो देर इज़ नो एक्सपीरिय मतलब एक्सक्यूज़ फॉर नॉट ट्राइंग अब वो कैब का फंडा यही मेरा वो कैब में क्या लगता है हमें कि कि सर नहीं कर पाएंगे सर कितने पढ़े कैसे पढ़े पॉसिबल है नहीं बहुत ज़्यादा है तो हमें उसी पर काम करना मेरे भाई जो लगता कि ये टफ है हम नहीं कर पाएंगे ये सिर्फ क्या होता है कि एक्सक्यूज़ है आप वो कैब को फोड़ सकते हो आप वो कैब को कर सकते हो वो कैब आसान है अगर कैसे पढ़ोगे अपने तरीके से जुगाड़ से पढ़ोगे तो आसान है बुला नहीं पाओगे अगर आप इसको रट्टे मारते रहे तो आप इसको अभी याद नहीं कर पाओगे ओके चलो गुड इवनिंग भारदवा साहब क्या चाल आपके काफ़ी दिनों बाद मिले पहला क्या मेरे भाई पहला बोले हार्ड नेट टू क्रैक इसका मतलब क्या है एट का इस आठ का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये एग्जाम में पूछा कितनी बार आठ मतलब एट टाइम्स ये आज से लेके पीछे तक पहुँचा जा चुका है आठ बार छोटी बात नहीं मेरे भाई मतलब ये मान लो आप कि कोई भी आपकी एडीएम एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं मतलब आठ बार पूछे जाने वाला क्या आपका एडियम सही है तो इंपोर्टेंट है ना क्या बनेगा हमारा अब क्या होता है ये ये अखरोट आपका और क्या क्रैक क्या होता है तोड़ना तो अखरोट तोड़ने वाला काम मतलब बताओ कैसा है Easy या टफ सर आसान है टफ बनेगा इसका इसका आंसर क्या बनेगा बी बनेगा मेरे भाई खत्म कहानी करक का मतलब क्या होता है ईजी ये होता है आपका आसान काम तो दो बात सीख ली हमने आसान काम क्या होता है और मुश्किल भरा काम क्या होता है तो आसान काम हमारा क्या होता है पीस ऑफ केक और टफ काम हमारा क्या होता है, नेट क्रैक। है याद रहेगा आगे बढ़े नेक्स्ट अगला मेरा भाई क्या अगला है टू बी अंडर द वेदर तो ये भी एग्जाम में आपसे आठ बार पूछा जा चुका है एट टाइम मतलब ये कौन सी है ये मोस्ट रिपीटेड रिपीटेडियम से मेरे भाई इसका तो आंसर क्या फटाफट जल्दी एबीसीडी फास्ट 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 जल्दी से अंडर द तो आज के टाइम में आप ये मान लिए पिछले तीन महीने से लेके अब तक हर कहानी क्या चल रही है आपकी सब लोग बीमार चल रहे हैं बोलो नो अरे नहीं चल रहे है। किसी के वायरल है किसी है, कुछ दिक्कत है किसी को कुछ दिक्कत है क्योंकि ये हो चुका हमारे सामने हमारे साथ तो इसका मतलब क्या होता है मौसम के च नहीं बोलते कि मौसम बदल रहा है जाती हुई सर्दी दिक्कत देती है आती हुई सर्दी दिक्कत देती है तो ये कहानी हमारे पढ़ी हमने ये सर कहानी कौन सी ये कौन सी बातें मेरे बच्चे ये बातें वो है जो हमने सुनी है देखी हैं इसलिए एग्जाम में आती हैं आपके बोलो यस यासी समझ गए कहानी तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है कि आप मौसम की चपेट में हो आपके दिक्कत होगी मेरे भाई समझ गए बात को इसका मतलब क्या हो गया कि आप बीमार हैं आप मतलब अभी मैं बच्चे मैसेज आएगा सर आई एम नॉट फीलिंग वेल तो उसका मतलब क्या होता है अंडर द वेदर आप बीमार हो आप ठीक हो ही नहीं बोलो यस अस्सी समझ गए इसका मतलब क्या होता है बीमार होना अब करते हैं कहानी को शुरू इसका आंसर क्या बनेगा इसका बनेगा, बनेगा ए well. वा नोट फीलिंग वेल ए बनेगा भाई अच्छा देखिए बी किसी का बनेगा कूलिंग हिल्स का मतलब क्या होता है इंतजार करना और ये क्या होता है भाग जाना हिलको लेके चले गए तो वो हमारा क्या होता है रन अवे भाग जाना ठीक है मेरे भाई और कूलिंग मतलब एडी को ठंडा करने मतलब क्या होता है इंतजार इंतजार करना वेट और ये सब आपके एडियम है अगला क्या, क्या होती है डेली पढ़ते रहो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो मेरे भाई क्या बनाता तो? हूं अब ये एग्जाम पूछा नो बार तो नो बार पूछे जाने वाला बेहतरीन आपके लिए क्या एडियम से चलो तो फास्ट आंसर क्या बनेगा इसका जल्दी से टू टर्न डी अब आपको मैं करवाया था ये आपका कल वाले एग्जाम में आया था एस एस सी सी एच एस एल में और नौ बार पहले बार चुका तो अब दस बार हो गया भाई इसको एक ऐड कर लो नाइन मतलब ये दस बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसका मतलब क्या होता है किसी की बात ही ना सुनना इग्नोर करना कि जो तूने बोला बोले तो तेरी बात ही नहीं सुननी मेरे इसका आंसर क्या बनेगा इसका बन गया रिगार्ड सम्मान करना अगर कोई आपकी बात ही ना सुने इसका मतलब क्या आपका अपमान हो रहा है ब्लू इसका पता होगा आपको एग्जाम बार बार, में यह. दस बार पूछ जाने वाला वर्ड सिंपल है सर बोल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब क्या होता है मतलब बिल आ गया अब बिजली का बिल आ गया पांच लाख रुपए तो वो क्या एकदम मतलब क्या हो जाएगा शौक हो जाएगा इतना बिल आ सकता भाई इसका मतलब क्या होता है आपका एक कंप्लीट सरप्राइज तो इंडिया ने क्या की थी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी बोलो कितनी की थी तो वो न्यूज़पेपर में क्या एडिंग आई थी हमारी इंडिया हैव डन ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक ऐसी चीज इंडिया ने की जिसको पाकिस्तान को कानो कान खबर थी नहीं कि ऐसा काम भी कर देंगे इंडिया वाले गए मेरी बात तो ऐसी चीज जो सकते हो एकदम से हो जाए अगले आगे क्या हमारा स्नेक इन द ऐसा क्या बनेगा स्नेक इन द्रास भी आसान है अब घास में छुपा हुआ सांप का मतलब क्या होता है ये एग्जाम में आपसे सेवन टाइम्स पूछा जा चुका है सात बार इसका आंसर क्या बनेगा कौन बताएगा अरे छुपा हुआ दुश्मन है ये खत्म ए सीक्रेट एनिमी आसान है मेरे भाई नहीं है बी क्या डी क्या है एनजाइटी चिंता होता है क्या होता है बेचैनी होता है एजेंट क्या होता है एजेंट तो पता है रोग एजेंट होते हैं ओपन बुक क्या होता है जिसके अंदर कोई राज ना हो हैविंग जैसी सकल वैसा अंदर से हैविंग नो सीक्रेट्स जिसके पास कोई भी राज ना हो और राज हो वो हमारा क्या होता है क्लोज बुक बंद किताब क्या होता है हैविंग सीक्रेट्स ओपन बुक क्या होता है हैविंग नो सीक्रेट्स और ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है छुपा हुआ दुश्मन आस्तीन का सांप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आपका जस्ट कीप मूविंग आगे एट वन विट्स एंड ये एग्जाम में सेवन टाइम्स क्या बनेगा बता दो मेरे भाई फटाफट क्या बनेगा इसका जल्दी से बताओ फटाफट। है सर, विट का मतलब क्या होता है दिमाग जब आपका दिमाग की क्या हो जाए खत्म तो बंदा क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा आसान है ना ये पजल रिडल इसका आंसर ए, ए, ए क्या होना कंफ्यूज होना और इसकेडियम क्या होती है एट ए लॉस का मतलब क्या हुआ था कन्फ्यूज इतना लॉस हुआ कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया एट सी चारों तरफ क्या है पानी पानी तो बंदा क्या हो जाएगा कन्फ्यूज है कि नहीं चारों तरफ पानी है चारों तरफ जंगल है या बंदे का लॉस पे लॉस हो रहा तो बंदा क्या हो जाएगा हमारा कन्फ्यूज हो जाएगा मेरे भाई बोलो या यो ईजी है गुप्ता साहब आगे बढ़े फिर से क्या होता है कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो क्या गड़बड़ आप ये नहीं बनेगा आगे बढ़ते हैं एट द ड्रॉप ऑफ एट ऐसा क्या बनेगा फास्ट ये भी एग्जाम में आपसे सेवन टाइम्स पूछा गया एट द ड्रॉप ऑफ हेड इसका मतलब क्या बनेगा ये देखा आप लोगों ने कहानी इसकी तो जैसे इसकी हेड ड्रॉप हुई इसने फटाफट से उठा के दी तो इसका मतलब क्या होता है अगर आपकी टोपी गिर जाए आप उसको जल्दी उठाते हो मतलब कोई काम कैसे करना इमीडिएटली इसका आंसर हमारा ए बनेगा मेरे भाई खत्म और ये क्या था तो वाइट लाइन सुना आपने सफेद झूठ दिन दाड़े झूठ बोलना ये होता है ये तो बनेगा नहीं इसका आंसर ईजी है याद कर पा रहे हो समझ पा रहे हो लाइक एंड शेयर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आपका ब्रेक द आइस ये एग्जाम में टाइम्स पूछा गया ब्रेक द आइस का, का मतलब क्या होता है अब दो बंदे ए और बी अब इन दोनों के बीच में क्या जमी हुई है आइस इसका मतलब क्या है इनके बीच बातचीत बंद हो चुकी है अब बर्फ टूटेगी बर्फ पिंगलेगी तो ये दोबारा आपस में बात करना क्या कर देंगे स्टार्ट है कि नहीं इसका आंसर क्या बनेगा टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन अगर आपने इस आइस को ब्रेक किया तोड़ दिया मेल्ट किया तो दोबारा बातें करना स्टार्ट कर देंगे टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन बोलो यसो ईजी है ना मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है आसान है आगे बढ़े नेक्स्ट क्या हमारा एनिमोस्टी मतलब क्या होता है दुश्मनी क्या होती है बैड ब्लड बैड क्या होता है बुरा खराब ब्लड क्या खून तो खून खराब कब होता है आपका दुश्मनी बोलो मतलब एनिमी एनीमी मतलब क्या होता है दुश्मनी हॉस्टाइल होता हमारा ईजी है समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो मामला सेट है तो हम जब कर दो समझ गए तो आगे बैठे फिर अगर यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आ गई तो हम जब कर दो फिर आगे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इजी ओके नेक्स्ट क्लास सुनी अब क्यों मेरे भाई बाय फिट्स एंड स्टार्ट इससे क्या बनेगा फास्ट ये भी एग्जाम में नाइन टाइम्स पूछा नौ नौ बार नौ बार आने वाले चमत्कार चमत्कार्स तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब क्या होता है फिट्स क्या होता है रुक जाना स्टार्ट क्या होता है ये बीमारी क्या डिजीज होती है इसमें दिमाग कभी रुकता है कभी चल पड़ता है तो तुम्हारा दिमाग ऐसे तो है रुक, रुक रुक के चल दिमाग कभी दिमाग चला कभी दिमाग नहीं चला बोलो हाँ कि ना इसका मतलब क्या होता है ये रुक जाना और ये चलना तो स्टॉप एंड स्टार्ट दैट इज कॉल्ड इरेगुलर कि आप ही कहने क्या नहीं है रेगुलर नहीं है कभी चलती है कभी नहीं चलती है कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इरेगुलर ठीक है फिट्स एंड स्टार्ट आसान था आगे बढ़ते हैं बरीद है ये पता है मैं इसका मतलब क्या होता है हथियार अब हथियार जमीन में गाड़ दिया इसका मतलब क्या हो गया शांति कर रहे हो आप बोलो यस जानो है ना मेरे भाई हथियार थे आपके पास होना जमीन में गाड़ने मतलब क्या होता है आपने दुश्मनी छोड़ दी है अब आप किस पे प्याज को शांति पे इसका क्या बनेगा शांति क्या होता है इसमें ये बनेगा पैसिफिस्ट मतलब पीस तो यह हमारा क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा गो फॉर एवर का मतलब क्या होता है टेक अप द दैट अगर आपने हथियार उठा लिया इसका मतलब क्या है आप क्या करोगे लड़ाई बोलो मेरे भाई समझ गए अगला क्या आपका अब बिल्ली भी क्या करती है लड़ाई करती है स्ट्राइप बोलो वाइफ वाइफ और वाईफ का ही काम होता क्या करना लड़ाई करना तो ये फाइट करने वाली फाइट करने वाली फाइट करने वाली और ये हमारे शांति करने वाली नेक्स्ट क्या आपका अब देखो कहने क्या और डेली पढ़ो आप मेन कहने क्या होते आपके अंदर क्या नहीं होने चाहिए इरेगुलरिटीज डेली पढ़ो हर दिन पढ़ो और लगातार पढ़ोगे तभी बात बनेगी भाई एक दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े फिर पढ़े फिर, फिर नहीं पढ़े तब दिक्कत है तो हर दिन पढ़ना है चाहे कम पढ़ो लेकिन एवरीडे आपका रूटीन होना चाहिए आगे बढ़े मैं दोस्त नेक्स्ट क्या आपका क्राई आवर स्पिल्ट मिल्क अब ये एग्जाम पूछा दस बार टेन टाइम्स कितना भाई दस बार पूछा गया आपका उसका मतलब क्या होता है अगर आपका दूध आपका बिखर चुका है दूध था बोतल टूट गई मतलब आपका दूध वेस्ट हो गया तो सबका मतलब क्या होगा आसान है ना ये अगर कोई आपका नुकसान हो जाए तो उस पर भाई साहब रोना नहीं चाहिए आपको डोंट क्राई ए स्पिल्ट मिल्क मतलब क्या होता है कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में सोचना उसके बारे में बातें करना तो ये ठीक तो है नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में ईजी है कोई दिक्कत नहीं बाकी हमारा क्या है ये आसान है पीने का तो बचा नहीं मेरे भाई फिदर वंस ओवर नेस्ट एग्जाम कितना गया, गया गया, सेवन टाइम सात बार पूछा गया मेरे भाई इसका मतलब क्या बनेगा फ्रीदर अब ये पंख होता है तो अपने घोसले में पंख लगाना मतलब आपका घर है और अच्छा बनाना आपके पैसे हैं और अच्छे पैसे बनाना आपका मतलब घोसला है और पंख लगा मतलब चीज को और बेहतर करना बेहतर से और बेहतर है ना घड़ी बेहतर से भी बेहतर क्या आंसर बनेगा मेरा भाई क्या स्लोली नहीं बनेगा आपका ऑनेस्ट नहीं बनेगा स्लोथ क्या होता है लेजी तो लेजी तो बनेगा नहीं आपके तो सेम हो गए इसका बनेगा ए प्रमोट देयर ओन मतलब अपने ही पैसों की अपनी बात करें अपने पैसे बनाए आपका घोसला आप उसको पंख लगा रहे हो और पंख लगा मतलब आपको उस और बेटर और, और अच्छा बना रहे हो पहले से बेटर हो रहा हमारा ये बोलो यस यो समझ गए ना हाँ एक्स्ट्रा अचीवमेंट नहीं समझे भाई आपके पास पहले से घोसला है उसमें आप और पंख लाने मतलब क्या होता है आपने और तीर मारे और बेहतर कर रहे हो अपनी लाइफ में समझ गए आसान है मेरे बच्चे आगे बढ़े नेक्स्ट टाइम्स लिव नो स्टोन मतलब उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया या आपने पहले किया होगा मतलब आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया भाई आपने उसके लिए सब कुछ किया पढ़ा आपने ऐसा कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए सब कुछ किया तो इसका मतलब क्या होता है उसने हर एक स्टोन को टर्न किया और आखिरी टाइम से क्या मिल गया वहां से पैसे भी मिल गए कि इस पत्र से क्या मिले उसको पैसा मिला खजाना मिला मतलब क्या होता है फुल ऑफर्ट्स इसका मतलब क्या बनेगा हमारा विद फुल फोर्स पूरी ताकत के साथ इसका ए आंसर बनेगा भाई फुटाइल फुटी चीज़ क्या होती है आपकी यूजलेस तो ये तो है नहीं इसमें तो मेहनत की बंदे ने लस्सी पीने बॉडी में क्या आता है आलस ये क्या लेजी होती है नहीं बनेगा आपका उसका आंसर हमारा बनेगा भाई ए वाला पूरी ताकत के साथ पूरी जीजा लगा देना किसी को हासिल करने किसी को पाने के लिए इजी है कोई दिक्कत नहीं है सबका सही है बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्या आपका चलो क्विज आपके लिए कोक एंड बुल स्टोरी अब ये एग्जाम में पूछा आपसे एट टाइम्स कोक एंड बुल स्टोरी तो सबको बता दी कोक क्या होता मुर्गा बुल क्या होता सांड ऐसी कहानी को होती नहीं ऐसी बातें करना सिर्फ क्या आपकी फेक स्टोरी है मतलब मन गढ़ कहानी क्योंकि मुर्गे और इनके ना सांड की कोई कहानी है ही नहीं दट इज कोल्ड ए फेक स्टोरी ईजी है आसान है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ें नेक्स्ट अब ये एग्जाम में आया था आपका मेन से यह आया था आपको अच्छा एस एस सी मेंस में भी आया था ये ठीक है स्टोन थ्रो अब इसका मतलब क्या होता है अब पत्थर को आप ज्यादा डिस्टेंस तक थ्रो नहीं कर सकते आपके डिस्टेंस क्या थोड़ी सी होती है है कि नहीं पत्थर फेंकना मतलब क्या होता है पचास मीटर सौ मीटर तो ये क्या होता है एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस यहां से बनेगा इसका बोलो मैंने किया नहीं किया पहले हमने क्या था नहीं भाई साहब मेंस में आता है तो ये आपके हर एग्जाम में हैं आपके बैंक के एग्जाम एस एस का है टीचिंग का है डिफेंस का है एयरफोर्स है नेवी एनडीसी डी एस हर एग्जाम में एक ही कहानी है वो कैब आगे बढ़े मेरे भाई चलो बच्चे नेक्स्ट क्या आपका टू कीप द दोल्फ अवे फ्रॉम द डोर इसका मतलब क्या बनेगा भेड़िए को घर से दूर रखना इसका मतलब क्या होता है बताओ फटाफट बता दो मेरे भाई जल्दी से समझ पा रहे हो मामला सेट है चलो अब भेड़िए मतलब क्या होता है भेड़िया भेड़िया होता है अगर भेड़िया तो वोल्फ की सेंस क्या तो होती है नेगेटिव होती है हमेशा अगर भेड़िया घर में आएगा तो घर में कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई वो सबको खा जाएगा उस घर में कभी क्या नहीं आएगी मतलब वो घर कभी क्या नहीं कर पाएगा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा भेड़िया सारी कहानी खत्म कर देगा इसकी सेंस नेगेटिव है तो ब्रेक दा ही तो हम कर्ज नहीं बनेगा हमारा इसलिए ग्रास हम कर चुके भाई नहीं बनेगा ये होता है छुपा हुआ दुश्मन ये होता है बात स्टार्ट करना और ये होता है एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे इसका क्या आंसर ए बनेगा ये क्या होता है भुखमरी क्योंकि अगर भेड़िया आ गया तो कोई कुछ बचेगा ही नहीं है कि नहीं तो इसकी सेंस क्या होती नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड हमारा क्या है ये होता है भुखमरी तो भुखमरी नेगेटिव वर्ड है मेरे भाई इसका आंसर ए बनेगा भुखमरी अवॉइड करना अगर भेड़िया को घर से मतलब क्या होता है गरीबी को घर गर में ना आने देना समझ गए बात को हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है ये आसान है कर चुके हैं पहले पास्ट मास्टर तो क्या बने ये अभी आया था आपके व्हाट इज पास्ट मास्टर क्या होता है ये पास्ट मास्टर सर ट्रिक है इसकी मास्टर और मास्टर क्या होता है एक्सपर्ट नहीं बोल तो मास्टर इस, इस फील्ड में नहीं बोलते तो इस फील्ड में क्या है मास्टर भाई तो इस काम में माहिर है बोलो हकीन इसका मतलब क्या होता है कोई बंदा किसी काम में क्या होना एक्सपर्ट होना इसका मतलब क्या होता है आपका अब एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है भाई ई e वाला ये ई e वाला हमारा क्या होता है एक्सपर्ट अडेप्ट क्या होता है आपका एक्सपर्ट होना इसका आंसर ए बनेगा हमारा समझ गए और ए वाला हमारा क्या होता है ए वाला क्या होता है आपका एडज क्या करना एडजस्ट करना ए वाला क्या होता है एडजस्ट करना और ओ वाला क्या होता है अडोप्ट ओ वाला क्या होता है भाई गोद लेना क्या होता है गोद लेना समझ गए कोई दिक्कत आगे बढ़े नेक्स्ट या विक्र रहा था मैंने हथियार उठाने का मतलब क्या होता है इसका मने भाई साहब डी प्रिपेयर फॉर और गो टू ए वोर लड़ाई की तैयारी करना या लड़ाई के लिए जाना बोलो हाँ ना समझ गए मेरे भाई वो दिक्कत है आसान कर लिया आगे बढ़े नेक्स्ट सिटिंग डक्स का मतलब क्या होता है अब बैठे हुए बतख का मतलब क्या होता है वो आपके लिए आसान शिकार है मेरे भाई क्या आपके लिए इजी शिकार है वो बैठे हुए हैं आप उनको पकड़ सकते हो इसका मतलब क्या होता है इसका बनेगा हमारा दैट इज इजी प्रे देखो ये प्रे क्या होता है प्रार्थना ए वाला और ये प्रे हमारा क्या होता है शिकार क्या होता है मेरे भाई शिकार ठीक है एवरी क्या होता है जहां पे रहते हैं बर्ड्स जहां पे बर्ड्स रहते हैं वो हमारा क्या होता है एवरी और जहां पर रहती मधुमक्खियाँ वो हमारा क्या होता है एपीरी पी वाला मधुमक्खिया ये बीज वाला हो गया भाई एवरी बर्ड्स और एपीरी हमारा क्या होता है मधुमक्खियाँ बोलो हाँ की ना समझ गए ईजी है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े नेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है ए, ए डेगस ड्रोन चाकू मेरे भाई अब चाकू का मतलब क्या होता है कौन मुझे बताएगा फटाफट से चाकू जल्दी बताओ बताओ चले भाई इसका आंसर क्या बनेगा हमारा सर सिंपल है इसका आंसर आपने पहले किया हमसे अब ये चाकू चाकू क्या होते हैं दुश्मनी में या मोहब्बत में इसका मतलब क्या होता है दुश्मनी क्या होता दुस्मनी. दुस्मनी है दुश्मनी अब दुश्मनी का आंसर हमारा तो क्या बनेगा ए बी सी डी सिंपल है इसका बन तो क्या हमारा प्रेस तारीफ करो नहीं बनेगा इसका बी बने क्या होता है एक्स्ट्रा टोल अब कोई बता ज्यादा लंबा उसकी तारीफ होती है मेरे भाई ये नहीं बनेगा हमारा क्या होता है रिबेट छूट देना ये नहीं बनेगा बी हमारा नेक्स्ट क्या है एट तलवार मतलब क्या क्या बनेगा अब एक एक ऐसे ऐसे और आपकी इसका हो गया लड़ाई बताओ भाई साहब एक ने मारी तलवार ऐसे अब दोनों में मोहब्बत भाईचारा फ्रेंडशिप ट्रिक क्या बनी अम्मी अम्मी जान

कि हम ढंग से अपना काम कर पाए मतलब हमें कोई दिक्कत ना आए हमारे को टच ना हो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा फ्रीडम फॉर वर्क इसका ए आंसर बनेगा भाई इजी है वोक नहीं वर्क है ये चलना नहीं काम करने के लिए काम की आजादी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई ग्रे मार्केट मतलब क्या होता? ग्रे मार्केट बताओ तो ग्रे मतलब क्या होता है इलीगल मार्केट जैसे भाई साहब ये मुंडी बेचना किन की की शेर की आती की स्मैगलिंग करना तो ये होता है उल्टे काम करना इलीगल चीज बेचना तो इलीगल मतलब क्या होता है जिन पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है बोले तो इलीगल मार्केट ना कि ब्लैक मार्केट ठीक है मेरे भाई लीगल नहीं बनेगी हमारी नहीं बनेगी इसका मतलब क्या होता है डू ए रोयरिंग ट्रेड इसका बताओ फटाफट कौन बताए मतलब इसका आंसर तो कौन चमत्कारी बालक करेगा चमत्कार डू ए रोयरिंग ट्रेड का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट मेरे भाई जल्दी से रोयरिंग ट्रेड क्या होता है रोयरिंग ट्रेड तो ट्रेड क्या होता है बाजार और ये क्या होता है दहाड़ना मतलब क्या होता है कोई चीज़ कैसे बेचना चिल्ला चिल्ला ये नहीं बोलता बोलते ना काफ़ी सब्ज़ी वाले कि सौ के तीन किलो सौ के भैंजी पाँच किलो मतलब चिल्ला चिल्ला के बेचेंगे तो आपकी ज़्यादा क्या होती सेल होती है बोला हाँ कि ना अब एक बंदा चुपचाप चा बैठा रहेगा ऐसे ही उसके पास कोई नहीं आएगा भाई आप चिल्ला चिल्ला के बोलो ना कि सौ के दो किलो फिर सौ के ढाई किलो सौ के तीन किलो तो आंटी आपके पास आएंगे आपका सामान लेने सामान आपका जाएगा इसका मतलब क्या हो गया आपकी सेल अच्छी हुई है मतलब आपका अच्छा आपका सामान बिक चुका इस है इसका मतलब क्या क्या होता होता है है सक्सेसफुल बिजनेस आपका बिजनेस क्या हो चुका है सक्सेसफुल आपने सारा चीज आपने कैसे बेच दी फटाफट से चिल्ला चिल्ला के समझ गए अरे है कि नहीं अजय गुप्ता क्या होता है बिल्कुल भाई साहब आहली सक्सेसफुल होता है ये आगे बढ़ते हैं मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल हिल का मतलब क्या होता है पहाड़ी और माउंटेन क्या होता है पहाड़ तो पहाड़ी से क्या बनाया पहाड़ मतलब क्या हो गया बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना इसका मतलब क्या होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या होता है मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल इसका आंसर हमारा क्या बनेगा मिट्टी क्या होता है कम करना अले अले कम करना सब बातें कल मतलब आज क्या है? रेस्ट है सब बातें कब करें कल आज छुट्टी रेस्ट है मेरे भैया इसका आंसर क्या बनेगा हमारा ये ए बनेगा बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना समझ गए ईजी है क्या बात है गुड पेंट द टाउन रेड तो अब किसी टाउन रेड कब करोगे जब कोई फेस्टिवल होगा शादी होगी भाई किसी की है कि नहीं जब कोई फंक्शन है शादी है तब हम क्या करते हैं मेरे भाई अजय और जतिन हम टाउन तो तो को पेंट करते हैं बोलो यान घर में कब करते हैं शादी किसी की दिवाली होली है तो कुछ हमारे पास ओकेजन होगा तभी तो हम टाउन क्या करें अपने घर को पेंट करते हैं ऐसा लगे कभी पेंट करने लग जाओ तो हिसाब में क्या होता है सेलिब्रेशन जब हमें क्या करना हो जश्न करना हो कुछ मतलब सेलिब्रेट करना हो तब पेंटिंग करते मेरे भाई घर को पेंट करते इजी है आसान है गुड इसके बाद हमारा क्या बनेगा अगला है ब्लू कॉलर वर्कर जिसके कॉलर क्या होती है ब्लू इसको हम क्या बोलते हैं वर्कर ऐसे जिनकी कॉलर क्या है ब्लू है उनको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई डी का मतलब डी कौन सा ये वाला डेसोलेट बोलो डी डेजो लेट बोलो डीजे हो गया लेट अब डीजे अगर लेट हो जाएगा तो सारे बंदे क्या हो जाएंगे उदास इसका मतलब क्या होता, तो होता है उदास होना ग्लूमी क्या होना ग्लूमी होना गुलाम होना ठीक है लिस्टलेस होना ब्लिक होना इजी हां मेरे को हो लेना होली अब ये देख लो ऐसे वर्कर ये होते हैं जिनके पास स्किल नहीं मेरे भाई ये काम करते हैं भाई साहब लोहे का आना मतलब है ना मतलब अभी भी काम करते हैं ईट पत्थर वाली वो स्किल है ही नहीं जिसकी कॉलर क्या होती है ब्लू मतलब उसके पास स्किल दैट इज कॉल्ड अनस्किल्ड वर्कर जो काम कर लेंगे फिजिकल काम कर सकते हैं मेंटली काम नहीं कर सकते मेरे भाई अगला क्या है ब्लू क्या होता है ये होती है पढ़ी लिखी स्त्री ऐसी महिला जो काफी पढ़ लिख बाहर ज्यादा पढ़ लेती हो जरूर से चाहिए क्या होता है एजुकेटेड वोमैन पढ़ी लिखी इस महिला आगे बढ़ते हैं अगला है वाइट कॉलर अब देखो ब्लू वाला क्या था अनस्किल्ड अब जिसकी कॉलर क्या है वाइट वो हमारा क्या होता है स्किल्ड जिनके पास नॉलेज है जो काम करते हैं फिजिकली नहीं मेंटली काम करते हैं लैपटॉप से काम करते हैं उसका मतलब क्या होता हमारा स्किल्ड वर्कर्स समझ गए अब इन द ब्लू का मतलब क्या होता है इन द ब्लू बताओ व्हाई आर यू इन द ब्लू इसका मतलब क्या बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द ब्लू समझ पा रहे हो तो हम जब कर दो भाई क्लास को स्टेटस पे लगा दो अपने व्हाट्सअप पे फेसबुक पे टेलीग्राम पे चलो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा सर इन द ब्लू का मतलब क्या होता है उदास सैड डिजेक्ट उसने मुझे कर दिया रिजेक्ट तो मैं क्या हो गया डिजेक्ट ट्रिक क्या बनी ब्लू मतलब नीला तो बंदा नीला कब पड़ता है पिटाई के बाद पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है मेरे भाई तो बंदा दुखी हो जाएगा पिटने के बाद है कि नहीं आसाना ना ये अरे है कि नहीं है क्या बात है वर्मा साहब तेरी भाजपा वो क्या तो बड़ी दवादार है अगला क्या है तो बीट ब्लैक एंड ब्लू इसका मतलब क्या होता है कि को कैसे पीट देना तो पिटाई करने के बाद चेहरे पे स्पॉट कैसे पड़ते हैं ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लैक वो इसका मतलब क्या होता है बुरी तरह से मारना बीट असर अच्छा ये बनेगा भाई टाइड क्या होता है साफ सुथरा और अन का मतलब क्या नहीं तो ये क्या होता है आपका जो चीज क्या आपकी साफ नहीं क्लीन नहीं मतलब मैली है ठीक है प्योर क्या होता है शुद्ध और अगर आपने कास्ट की बातें करी कास्ट की बातें करोगे तो आपके हम क्या कर देंगे आलोचना दैट इज कॉल्ड सिलेंडर आलोचना करना बोलो भाई हाँ की ना समझ गए अरे इजी है कोई दिक्कत नहीं डबल आर ट्रिपल आर क्या हाल है मेरे भाई सिलेंडर ओके पूजा अलावत नेक्स्ट क्या आपका ये एग्जाम में पूछ गया दस बार रेड लेटर इसका मतलब क्या बनेगा लाल पत्थर तो लाल पत्थर कब लिखते हैं खून से ले लेटर कब लिखते हो जब कोई चीज क्या होती है काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट इसका हमारे क्या बने ये बनेगा ए वेरी इंपॉर्टेंट डे ठीक है इजी है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आपका टू तो पे थ्रो नोज तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया कम से कम कितनी बार सिक्स टाइम तो नोज के थ्रू का मतलब क्या होता है कि सबसे मेन पार्ट हमारे बॉडी में क्या होता है नाक कुछ भी कटे पर नाक नहीं कटनी चाहिए भाई सर कटे पैर कटे हाथ कटे कान कटे कुछ भी कटे लेकिन नाक क्या होता है आपकी इज्जत है तो इज्जत के लिए हम कितने पैसे चुका सकते हैं इज्जत के लिए नहीं। इसका भाई इसका हमारा बनेगा बनेगा ये वाला टू एन प्राइस नाक बचाने के लिए हम कितने दे सकते हैं। बस बात नहीं नहीं। होता है मतलब भाग जाना रन अवे क्या होता है भाग जाना अगला क्या क्लोज बंद होता है फिस्ट आपकी मुट्ठी होती है पर्सन इंसान मतलब एक ऐसा बन जिसके पैसे तो हैं पर उसने पैसे मुट्ठी में दबा रखे मुट्ठी बंद है मतलब पैसे हैं लेकिन पैसे उसने दबा रखे हैं भाई मतलब पैसे खर्च नहीं कर रहा इसका मतलब क्या होता है आपका माइजर कंजूस मर जाएगा पर पैसे नहीं छोड़ेगा दैट इज कॉल्ड माइजर ईजी है कोई दिक्कत नहीं है क्लियर आगे बढ़े इंडियन नेक्स्ट में बताइए क्या होगा इट ऑलवेज सेम इम्पॉसिबल अनटिल इट डन इज डन देखो कोई भी काम बिना किए क्या लगता है स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि ये हम कर ही नहीं पाएंगे टफ है हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा है नहीं टफ है क्योंकि आपने वो काम किया नहीं है जब आप वो काम करोगे आपके लिए काम वो क्या हो जाएगा ईजी है आपको करना आपको एक स्टेप लेना है आपको आपका एक आगे, आगे आपको स्टेप लेना है वो स्टेप लेने के बाद हर काम आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फेस द म्यूजिक इसका बताओ से क्या बनेगा फेस द म्यूजिक बताओ फटाफट से और ये सबसे ज्यादा टेन टाइम्स पूछा जा चुका भाई दस बार फास्ट अरे बता दो अंजलि उसका मतलब क्या होता है अब इसको तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ना बार मतलब क्या होता है जैसे मैंने बोला अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको यू हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे मतलब क्या है आपको परिणाम आपको ये बातें भुगतनी पड़ेंगी मेरे भाई मतलब बी पनिस्ट अपलोड क्या होता है तारीफ करना ही नहीं बनेगा अम्यूजिंग क्या होता है इंजॉय सुना म्यूजिक गाने लगाओ मतलब इंजॉय करना फन करना मजे करने सेम आपका बनेगा इजी हो गया तो सी क्या होता है आपका अम्यूजिंग म्यूजिक मज़े करना इंजॉय करना भाई क्लियर कहानी समझ गए आगे बढ़े नेक्स्ट टू तो स्मेल ए रेट इसका मतलब क्या बनेगा चुहा सूंघना ईजी है लेकिन एग्जाम में ये भी दस बार आपसे पूछा जा चुका टेन टाइम पूछा फटाफट से इसका आंसर क्या बनेगा हमारा कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई है कि नहीं कि कुछ तो गड़बड़ है इसका आंसर क्या बनेगा सस्पेक्ट है ट्रिक खत्म ए बनेगा इसका लेकिन मुझे बताओ कि इसका क्या होता है ब्लू ब्लड क्या होता है नीला खून ये होता है रॉयल फैमिली क्या होता है शाही परिवार रॉयल फैमिली लेकिन डी क्या बैड ब्लड तो बैड क्या होता है खराब ब्लड क्या होता है खून तो खून खराब कब होता है दुश्मनी में तो ये क्या होता है आपका दुश्मनी वो तो animity. तो ये आपका दुश्मनी है मेरे भाई और ये आपका मतलब रॉयल फैमिली साई परिवार आपका और ये क्या होता है कुछ तो गड़बड़ है ओके okay? आगे बढ़े नेक्स्ट ए वाइल्ड गू चीज नो बार नाइन टाइम्स पूछा जाने वाला एडियम आंसर क्या इसका मेरा भाई फटा तो जल्दी से फास्ट फास्ट आरती हेक करें तो कहानी क्या इसके सिंपल है तो क्या बोला मैंने अब वाइल्ड जंगल है गूज बतख है चेज जंगल में जंगली बतख का पीछा करना मतलब क्या होता है आप उसको पकड़ नहीं पाओगे मेरे भाई से क्या होता है ऐसे अफर्ट जो किसी काम के हैं ही नहीं जैसे मैंने बोल दिया फ्लॉगिंग ए डैड क्या बोला मैंने फ्लॉगिंग ए डैड हॉर्स अब मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारा मारो क्या बोले उठ खड़ा हो जा तो एक बार मरने के बाद कोई बंदा दोबारा नहीं उठता चाहे घोड़ा इंसान हो ठीक इसका मतलब क्या होता है आपके अफर्ट्स कैसे हैं यूजलेस है घोड़ा मर चुका है अब कितना है मारो चाबुक से वो नहीं उठने वाला वो मर चुका है इसका मतलब क्या बनेगा मतलब आपका फुटाइल अफर्ट्स मतलब ऐसी चीजों यूजलेस है क्या आपके लिए किसी काम के नहीं है अगला डी इसे डी का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट यो मैन फास्ट वट इज द मीनिंग ऑफ यो मैन सर्विस जल्दी डी का मतलब क्या बनेगा मेरे भाई यो यो हनी सिंह अरे ट्रिक यो 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 हनी सिंह मतलब बहुत बढ़िया यो यो। इसका मतलब क्या होता आपका है आपका एक्सीलेंट वर्क क्या होता है बहुत बढ़िया काम करना दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंट वर्क वह याद ट्रिक क्या बनी यो यो हनी सिंह यो यो इजी कोई दिक्कत आगे बढ़े मामला सेट है मेरे भाई ओके okay. इसके बाद क्या आपका अभी किया है जस्ट किया भाई अभी खत्म करें लौटे आसान है ना ये इसका मतलब क्या बनेगा आपका अब ये घोड़े घोड़ा पिता मर चुका है अब इसको तो मा, मार दोबारा मारो कि उठ जा भाग ले खड़ा भाई नहीं हो पाएगा ये मरने के बाद लोग दोबारा नहीं उठते इसका मतलब क्या बनेगा आपका दैट इज अगेन यूजलेस एफर्ट्स अब ये क्या बना देखो अब ये भी आपकी एडियम है ये भी आपकी एडियम और ये भी क्या आपकी भाई साहब एडियम है ये भी आपकी तो क्या बना भाई कहानी सर क्या होता है मतलब क्या होता है टू ब्राइब रिश्वत देना क्या होता है भाई टू ब्राइब रिश्वत देना जी कहते ऐसे पांच सौ रुपए क्वेश्चन देना पड़ेगा आपको अगला क्या हमारा हाँ रंगे हाथों पकड़ना लाल हाथों पकड़ना मतलब क्या होता है जब आप कोई क्राइम कर रहे हो ना उसी टाइम पकड़े जाओ वो क्या होता है कैच रेड हैंडेड नया कंबोज काफी दिनों बाद है आप स्वागत कहां थे आजकल शादीवादी में थे होली होली चल रही तुम्हारी अगला क्या है बीट अराउंड का मतलब क्या होता है चारों तरफ की बातें करना और मेन बात को अवॉइड करना ये क्या होता है घुमा फिर कैसी बातें करना घुमा फिरा के बातें करने वाला समझ गए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमारा क्या होता है घुमा फिरा के बातें करें ये क्या होता है रंगे हाथों पकड़ा जाए ये क्या होता है रिश्वत देने वाला काम और ये हमारा क्या होता है कोई आउटपुट ऐसे आपकी आएगा नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या तो ये आ गया आपका सेवन टाइम सात बार पूछे जाने वाला उबार्ड दो फटाफट आंसर इससे क्या बनेगा आंसर क्या बनेगा इसका मेरे दोस्त मेरे भाई बता दो फटाफट से जल्दी जल्दी अब पता है ना आपको अब कोई बंदा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि टमाटर इतने रुपए किलो है ना ले लो ले लो भाई सस्ते हो गए ये हो गए वो हो गए फ्री दे रहा हूँ धनिया पुदीना जो भी दे रहा है वो तो ये जब चिल्लाएगा बताएगा तभी तो आंटी घर से बाहर निकलेंगी अच्छा सब्ज़ी वाला है तो जितना चिल्लाएगा उतना ये बेहतर काम कर पाएगा अपनी सेल में सारी सब्जियाँ बेच देगा इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पैसे कमा लेगा भाई जो माल ले आया जो सब्जी ले आया वो सब टाइम से बेच मतलब क्या हो गया बंदा काफ़ी एक्टिव है और बंदे ने अच्छी सेल की सब लोग आपका पता लगे लग ना आप ए बी सी डी इसका आंसर क्या बनेगा आपका इसका बी बन गया हाईली सक्सेसफुल तो ट्रिक से पढ़ेंगे बिना ट्रिक से पढ़ोगे तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको दिक्कत है बोलो यस या नो समझ गए बात को अरे इजी है कि नहीं है इसका आंसर हमारा इसका बन गया ये वाला इसका बी आंसर बन गया आगे चलो नेक्स्ट क्या आपका ये आसान है आपने पहले पढ़ा होगा ये वर्ड भी कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं बताओ ए बी सी डी बी सी डी आंसर क्या बनेगा जी अब अपनी पुंगी खुद बजाए इसका मतलब क्या होता है अपनी तारीफ खुद ही कर ले ये तो वो चमत्कारी बालक जो अपनी तारीफ खुद ही करते हमें भगवान हमें सब पूछे अपनी पुंगी खुद बजाए मतलब क्या होता है प्रेज वन सेल्फ इसका आसान था इसका बनेगा हमारा ए आंसर तो बी क्या सी आई टू आई इसका मतलब क्या होता है बताओ नजरों से क्या मिली नजरें इसका मतलब क्या बनेगा क्या मिलेगा भाई नजर से नजर मिली इसका मतलब क्या बन गया हमारा पेपर चल रहे तुम्हारे ओके ठीक है तो क्या बनेगा इसका इसका मतलब क्या होता है एग्री होना सहमत होना क्या होना सहमत होना कुडोस क्या होता है तारीफ करना प्रेज वाइज बनेगा आगे बढ़ते हैं ये कर चुके हैं दैट इज इरेगुलर नेक्स्ट क्या आपका आगे 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 भाई अच्छा हैंड इन ग्लोव इसका तो क्या बनेगा सेवन टाइम्स तो ये एक दो बार नहीं आ रखे भाई ये बार बार ये आपके वो वो कैब जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछ पूछगी जो पूछता यह है बार बार यही पूछता है इसका मतलब क्या इंडियन मेरे भाई अब जैसा हाथ वैसा हमारा क्या होता यह है ग्लोव नहीं जैसा हाथ वैसा भाई क्या होता ग्लोव मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं पास पास मतलब क्या होता है इन ए क्लोज एसोसिएशन इसका ए आंसर बन गया पास पास फ्रेंडली ठीक है आरती ने सही बोला डार्क हॉर्स क्या होता है मेरे पास डार्क हॉर्स वट इज द मीनिंग ऑफ डार्क हॉर्स काला घोड़ा क्या होता है ऐसा इंसान जिसके चांस बहुत कम है जो कोई जानता ही नहीं पर कैसे काम करते हैं बहुत बड़ा काम इस हम लोग क्या होता है छुपा रुस्तम एन अनएक्सपेक्टेड विनर अगला क्या आपका राइडिंग हाई हॉर्स ऊंचे घोड़े की सवारी करना मतलब टू बी सुपीरियर क्या लगता है कि हम सबसे बढ़िया तो जब भी शादी होती ना तो बंदा घोड़े पे होता है क्यों होता है उसको क्या फील करवाने के लिए कि तू सबसे बेस्ट है सबसे बेहतर तो ही है ठीक है नेक्स्ट क्या आपका इन ब्लैक एंड वाइट क्या होता है बताओ अब आपको दिख ही रहा ना ये अब वाइट पे ब्लैक का मतलब क्या होता है आपने लिखा है मेरे भाई अरे है कि नहीं तो जब वाइट के ऊपर क्या आता है ब्लैक आपने लिखा है कुछ इसे आप नाम ये देख लो अब वाइट पे ब्लैक का मतलब क्या है लिखा तो इसका मतलब कहता है इन राइटिंग तो मैंने क्या बोला कोई तुमसे क्या बोले कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो भाई साहब लिखवा लेना मानना बिल्कुल नहीं इन राइटिंग किस में लेना लिखित रूप में लेना लिख के बी क्या हमारा लेफ्ट तो लर्स क्या मुसीबत और लेफ्ट छोड़ ये क्या होता है किसी को मुसीबत में छोड़ देना इन द मायर मायर क्या हो दल दल तो ये भी क्या होता है मुसीबत में होना सेम है भाई इन होट वोटर मतलब क्या होता है मुसीबत में होना और क्या होता है आपका इन पिकल इसका मतलब भी क्या होता है मुसीबत में होना ये सारे मुसीबत वाले हैं सारे सारे इन टाइट कॉर्नर कोने में होना इन ए टाइट कॉर्नर ये भी क्या होता है आपका मुसीबत में होना तो इन सब का मतलब क्या होता है मुसीबत 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 है क्या है भाई मुसीबत है बोलो है कि नहीं इजी हो गया ओके नेक्स्ट क्या आपका बाय लिप्स एंड बाउंड ये आसान है मेरे भाई लेकिन एग्जाम में नाइन टाइम्स पूछा जा चुका है बाय लिप्स एंड बाउंड दिन दोगुनी रात चौगुनी इसका मतलब क्या होता है आपका बताओ इसका मतलब क्या होता है हाँ अंडर द गम ये होता है आपका दैट इज रैपिडली मतलब बड़ा फास्ट है भाई आलसी है आलसी है तारीफ पर इसका आंसर सी बनेगा दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते हैं। वंस इन ए ब्लू मून इसका आंसर मतलब क्या बनेगा तो कितना प्यारा चांद आपके लिए है ना चांद जैसी जतिन शर्मा ने बोला सी बनेगा इसका आंसर तो वन ट्रिक क्या बनेगी वंश वंश का मतलब क्या होता है एक बार वो कह एक बार होनी ईद का चांद जो कभी कभी होता है दैट इज़ कॉल्ड रेयरली अम्मी जान या मम्मी ये हमसे क्या होती है फ्रेंडली हमसे प्यार करती है फ्रेंडली होती है हमसे और ये क्या होता है दुश्मनी ये दुश्मन है यह आपकी दोस्त है और ये कभी कभी होने वाला है ईजी आसान है कर लिया मेरे भाई आगे बढ़े मामला सेट ओके रिपोर्ट नेक्स्ट ये कर चुके हैं इट इज कॉल्ड फेक स्टोरी आगे बढ़ते हैं आ जा सेम बोट तो ये भी एग्जाम में आपसे सिक्स टाइम पूछा जा चुका है सेलिंग इन द सेम बोट इसका आंसर तो क्या बनेगा जल्दी से अगर तुम्हारे ये बात समझ में आ रही है ना तो क्लास को लाइक तुम करते नहीं उल्लू के पट्टे सारे सारे बाकी कोई दिक्कत नहीं है फर्क पड़ता नहीं इससे बस तुम तो क्लास में थम्स अप कर दिया हो ताकि मुझे पता लगे कि तुम्हारे बात तो समझ में आ रही बस बाकी छोड़ दो ठीक है आंसर क्या बनेगा इसका चेक करें सर दुकानी क्या बनेगी अब इसका मतलब क्या हो गया जैसे मैंने बोला जैसे दो बंदे हैं एक पति वन है और एक पति टू है पति वन पति टू इसकी वाइफ वन इसकी वाइफ टू तो ये पति अपनी वाइफ से बहुत परेशान है मेरे भाई मतलब बहुत दुखी है बेचारा है कि नहीं बड़ा परेशान है ओके अब यही बात को बोलें पति टू बोले कि जो तुम्हारा हाल है वही हमारा हाल है मतलब जो तुम जो तुम सहन कर रहे हो ना वही मैं सहन कर रहा हूँ जितने परेशान तुम उतना परेशान मैं मतलब जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है वही प्रॉब्लम मेरे साथ है। मतलब क्या हो गया हम दोनों एक ही किस्ती में सवार सवार कर रहे हैं मतलब ये बोट है अब यहाँ क्या हो गया छेद हो गया तो यहाँ से पानी मतलब पानी किसके लिए आ रहा है इनके लिए भी मुसीबत है इनके लिए मतलब पांचों की एक ही प्रॉब्लम है कि बोर्ड नीचे से क्या हो चुके लीक हो चुकी है इसका मतलब क्या बनेगा हमारा इन सेम डिफिकल्ट सिचुएशन बोलो या नो इजी हो गया हमारा आलो कहां था तो अब तक बी अंडर एक क्लाउड का मतलब क्या होता है डाउटफुल है ना चोली के नीचे क्या है चोली के पीछे क्या है भाई किसी को पता ही नहीं ये क्या कंफ्यूजन है डाउटफुल चीज है हमारी क्लाउड मतलब क्या होता है क्लाउड द मतलब इशू का मुद्दा क्लाउड बादल तो किसी बात को बादलों तक लेके बादल कहा होते हैं ऊपर तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल पहाड़ी का पहाड़ बनाना बोलो नो समझ गए कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े मामला सेट है मेरे भाई चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्त अब देखो अब नेवर गिव का मतलब क्या होता है नेवर गिव हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए खासकर इंग्लिश में इंग्लिश आपकी जान है इंग्लिश आपकी मोहब्बत इंग्लिश आपका प्यार क्योंकि बिना इंग्लिश के आप चल नहीं पाओगे मेरे भाई जमाने में आपके एग्जाम में काम आएगी लाइफ में काम आएगी आपके हर जगह काम आएगी तो कभी भी गिव अप नहीं करना क्या होता है हार मान लेना अब्जोर करना अबेंटन करना छोड़ देना कि हमसे नहीं हो पाएगा तुम कर सकते हो तुमने किया है पहले भी ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट बिटवीन द डेविल एंड डीप सी मतलब आगे कुआ पीछे खाए सुना ना, कहा होता है आपने सुना कहा था आपने आगे कुआ और ये एग्जाम मेरे भाई साहब एक दो बार नहीं ये एग्जाम में एलेवन टाइम्स आपसे पूछा जा चुका है ग्यारह बार इसका मतलब क्या होता है आपका डेविल क्या होता है सैतान और डीप से क्या होता है अब ये यहां पीछे ये आगे ये मतलब क्या है मुसीबत में टाइट कौन है मुसीबत में मुसीबत इसका बनेगा ऑल ऑफ बोलिए सियानो डी बनेगा सबका सही आगे बढ़ते हैं ग्रीन आइज हरी आंखों वाला इसका क्या बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन आइज हरी हरी आंखों वाला फास्ट बता दो जल्दी से अब दो होते हैं मेरे एक होता है ब्लू आइज इसकी आंखें क्या होती है नीली तो ब्लू आइज का मतलब तो क्या होता है आपका डियर डार्लिंग फेवरेट लव मैं ब्लू आइज करती है तो ब्लू आइज क्या होता है जो आपसे मोहब्बत करता है जो जो मतलब आपके लिए अच्छा है लेकिन जिसकी क्या होती है आंखें ग्रीन उसको हम क्या बोलते हैं जो आपको आपसे जलता है ब्लू आइज आपका मोहब्बत और ग्रीन आइज क्या जो आपको देख के जले जलन और इसको भाई जल रहा आपको देख दैट इज कॉल्ड ये आंसर बनेगा दिल जले ब्लू आइज क्या होता है लवली और ईगल आई का मतलब क्या होता जिसका है तो बड़ी तेज तरार ऑब्जर्वर दूर से देख ले कि क्या मामला भाई कौन क्या कर रहा है मतलब तेज आंखों वाला बाज की आंख समझ गए मेरे भाई इजी हो गया रेड आइज कुछ होता है नहीं ये सब बकवास है लाल आंखें बार सिर्फ कब होंगी भांग पीने के बाद क्या होती लाल आंखें वरना लाल आंखें होती नहीं कभी ठीक है आगे बढ़ते हैं वंस इन ए ब्लू मून ये आसान है अभी क्या था हमने तो ऐसी बोल पूरे आज के टाइम मतलब आज तक ऐसी सिर्फ एक ही बार बोल हुई मेरे बार मतलब यहां जाके इतना मतलब इतनी स्पिन का बॉल आज तक हुई नहीं है तो ये क्या रेयरली है ऐसी बोल्स बार नहीं जाती डाली ये आपको रेयर केस है मतलब ऐसी बॉल डालना कभी कभी चांस से होती है ऐसी बोल है ना स्पिन देखिए अपने बोल देखो कहां पे यहां पे पिच बोल कहा बोलिए अरे कहाँ पे चलिए मतलब इतनी स्विंग मतलब इतनी स्पीड होना इसका बनेगा वेरी रेयरली अगला क्या हमारा चल 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 इसका बताओ इसका क्या बनेगा ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड ये सब के लिए है। हमें क्या लगता है कि ये कहावत बट हरियाणा में कि दूसरे के थाली में घी ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब जो अपने पास है घर की मुर्गी दाल बराबर और जो चीज़ होती है दूसरे की वो हमें काफ़ी क्या लगती है मतलब अच्छी लगती या तेरे मज़े हैं भाई साहब तेरे लाइफ में मज़े हैं तू ले लाइफ की मज़े ऐसा लगता है हमें कि अपना काम बकवास है अपने वाली बकवास लेकिन जो दूसरे वाले ना वो बड़े अच्छी लगती है हमें ऐसा होता है मेरे भाई है कि नहीं अपनी वाइफ और दूसरे की वाइफ अच्छी कौन सी लगती है आपको चाहे कोई चाहिए कपड़े हो चाहे गाड़ी हो चाहे कोई फोन हो मेरे भाई कुछ भी हो चाहे जॉब है आप बैंक में हो क्या कहते हो बैंक की जॉब बहुत बेकार है कभी मत करना दूसरा भाई मान लो पुलिस में है भाई साहब ये ये बड़ी ये इसके मजे हैं पुलिस वालों के जो पुलिस को क्या बोलेगा पुलिस की जॉब कभी मत करना बैंक की जॉब बढ़िया है तो अपना काम हमें लगता है बेकार और दूसरे काम का बहुत बढ़िया इनके मजे आ रहे हैं हमारे समय में भाई <coughs> ये तो हो गया जलने वाला कच्चा अनुभव नहीं ये क्या होता है टू थिंक दैट अदर आर इन बेटर सिचुएशन कि इनके लाइफ सेट है इनके मज़े हैं हमारा तो बेड़ा गर्क है भाई ऐसा लगता है हमें बोलो यस या नो अरे अरेजी है ना ये और ये क्या होता है नोविस है नया नया खिलाड़ी अभी कच्चा है अभी पका हुआ नहीं है अगला क्या है देखिए आएगा ग्रीन हॉर्न है कि नहीं तो अभी नया भाई ये अभी नया खिलाड़ी है अभी इसको ट्राई करेगा धीरे धीरे तो सीख जाएगा ये बोलो यस सर इसका मतलब क्या होता नो सीखिया है नो है अनुभव है ही नहीं इसका मतलब क्या बनेगा हमारा इट इज कॉल्ड इमेचोर इसका ए आंसर बनेगा हमारा जोक का मतलब जोक सुनने के बाद चेहरे पे खुशी है ये कहता हैपीनेस खुशी और ब्लिक तूने मेरी बात कर दी लीक तो ये क्या होता है आपका उदास ये दुखी है ये सुखी है ये मेच्योर या आपका इमेचोर आंसर हमारा बोलो भाई हाँ कि ना समझ गए अगला है आउट ऑफ द वुड्स इसका मतलब क्या बनेगा आउट ऑफ द वुड्स तो वुड्स क्या जंगल होते हैं जंगल्स के बाहर तो जंगल में देखो वुड क्या होता है लकड़ी और वुड्स क्या जंगल फॉरेस्ट होता है आपका ये अब जंगल में क्या होता है खतरा लेकिन जंगल से बाहर का मतलब क्या होता jungle, मतलब है जंगल मतलब खतरे से बाहर है आउट ऑफ द डेंजर बोलो की ना ईजी है ना जंगल में तो खतरा है जंगल से बाहर <स्तितिति> <जन्दिति> तो क्या है मतलब सेफ है आउट ऑफ द डेंजर है खतरे से बाहर आ गया बोलो भाई ना समझ गए आगे बढ़े नेक्स्ट टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन ये सब बोलते हैं एक तीर और निशाने कितने दो एक तीर से दो निशाने मानो क्या बोलते हैं भाई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन इसका आंसर क्या बनेगा सबसे अंत का आंसर इसका ये बन गया भाई टू अचीव टू थिंग्स दो चीज हासिल करना एक ही एफर्ट से ठीक है ये वही कर रहे हम लोग एग्जाम में काम आएगा लाइफ में काम आएगा गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा भाई प्राइवेट जॉब में काम आएगा जहाँ जाओगे वहीं पर काम आएगा आपको ये अगला क्या ये कर चुके हैं पहले मुसीबत क्या काम टफ़ काम होगा डिफिकल्ट काम है ये नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट ये कर चुके हैं पहले अच्छा ये तो हम ये आ चुके थे रिपीट हो गया ओके चलो ये पता ना आपको ये छुपा दुश्मन ये तो हम कर चुके तो आगे चलो मेरे भाई इसको आगे चलते अच्छा ये हो चुका ब्रेक चुके पर नेक्स्ट क्या हो गया ना सारे ये अरे याद है भूल गए इनको कर चुके मेरा पहले ये बोलो सर ये हमें किए नहीं ये सब हम अब आते वन वर्ड पे तो पहला क्या हमारा ए हेटर ऑफ वोमेन अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा महिलाओं से नफरत करने वालों क्या कहते हैं ऐसा इंसान जो नफरत करता हो इस तरीके हम क्या बोलेंगे मेरे भाई ए बी सी दो फटाफट ए बी सी डी अब ये ऐसा इंसान है जो लड़कियों से क्या करता हो नफरत तो नफरत के लिए क्या वर्ड होता है मेरे भाई मिस मिस का मतलब क्या होता है नफरत हेट और जी वाई एन वाई का मतलब क्या होता है फीमेल दोनों को मिला दो आपका वर्ड मिल जाएगा ये तो ये सादी होता है और ये नफरत ये होगा शादी से नफरत करने शादी नहीं करना पापा ये हो गया हेटर ऑफ वोमैन इसका भी आंसर बनेगा आसान है ना ये सी क्या है सबसे नफरत जो मिले लड़का हो लड़की हो भाई कोई हो सबसे क्या करता है नफरत करता है ये बंदा और ये क्या होता है मिस मिस का मतलब क्या होता है नफरत तो जब भी क्या मिले मिस एम आई एस इसका मतलब क्या होता है हेट बोल तो नफरत समझ गए उसका मतलब क्या होता है नफरत फैलाने वाला गुंडा है बदमाश है ठीक है समझ गए भाई और देखे किसी बच्चे को ईजी है आगे बढ़े नेक्स्ट द स्टडी ऑफ बर्ड्स इसका क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स का मतलब क्या होता है बर्ड्स की स्टडी करने वाला जूलॉजी बायोलॉजी ये होता भाई ये होता आपका बर्ड्स इसका बनेगा ये वाला और स्टडी ऑफ बर्ड्स जूलॉजी क्या होता है पढ़ा आपने पढ़ा बायोलॉजी ये पढ़ लो ये होता है एनाटोमी मतलब बॉडी बॉडी के बारे में करना ये क्या होता आपका? क्या है आपका इसका क्या बनेगा दारू पीने का पागलपन सनक है ये दीवानापन है कि दारू पीनी मुझे तो दारू पीने का पागलपन अब ये देखो भाई ये आपके कल वाले एस एस सी आया था ये, सी एच एस एल में आया था कल आया था ये, कल आया था वैसे क्वेश्चन आपको ये, इट इज कॉल्ड मैन क्या होता पागलपन 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 तो ये होता है चोरी करने का पागलपन डिप्सो डिस्को ये होता है दारू मतलब क्या है दारू मिलती है वहां पे तो ये होता है दारू पीने का पागलपन और ये होता है आग तो ये होता है आग लगाने का पागलपन तो ए क्या होता है आग लगाने का पागलपन डिस्को क्या होता है दारू पीने का पागलपन इसका बी आंसर बनेगा और सी कल एग्जाम पूछेगा आपसे ये क्या होता है चोरी करने का पागलपन और डी क्या बनेगा बोलो ओल्ड ट्रस्ट अब जिसपे सब लोग क्या करे ट्रस्ट वो बंदा कैसे मिलेगा वो बंदा मिलेगा अच्छा प्रोपकारी सबसे मोहब्बत करने वाला बंदा ये सबसे प्यार करने वाला बंदा ये ये जी मेरे भाई आगे बढ़े चलो ऐसा क्या बनेगा ए फियर ऑफ क्लोज और डार्क स्पेस बंद जगह से डरने वाला तो अब मैन यहाँ पागलपन था और फियर का मतलब क्या होता फोबिया फोबिया क्या होता डर बोले तो फियर ठीक है बताओ इसका आंसर क्या बनेगा हमारा ए बी सी डी फास्ट क्या बनेगा इसका आंसर मेरे भाई बता दो जल्दी से फटाफट से टकाटक से चेक करें देखो सिंपल है सर पायरोफोबिया पायरो क्या होता है आग तो ये हो गया आग से डरने वाला बोलो क्लोज अरे क्लेस्ट्रो बोलो क्लोज तो ये होता है बंद जगह से डरने वाला डी बन गया हमारा आंसर जेनोफोबिया क्या होता है भाई जो किन से डरे अंग्रेजों से और ये क्या होता है हाइट ऊंचाई से डरने वाला देख लो क्या बनेगा इसका आंसर अब अब ये होता है जेनोफोबिया किन से डरे जो क्या होते हैं फोर विदेशियों को देख के डरने वाला क्या होता है जेनोफोबिया अगला क्या मेरे ऊंचाई से क्या होता? हाइट से डरने वाला कि दो तीन फोर पे गया नीचे देखा तो नीचे मतलब आ गया मतलब किससे डर होता है इसको हाइट कॉल्ड एक्रोफोबिया होता है हाइट समझ गए मेरे भाई इसके बाद हमारा आगे वाला फियर ऑफ झूठ बोलने से डरने वाला ऐसा क्या बनेगा बताओ फास्ट झूठ बोलने से डरने वाला ये आज का लास्ट है भाई फिर हम कहानी खत्म कर देंगे ठीक है, है, है अब क्या फोबिया डर होता डर फोबिया यहां भी है यहां भी है फोबिया यहां भी है अब कहानी से मतलब क्या बनी जैनो क्या होता है महिलाओं से डरने वाला भाई फीमेल देख के डर के भाग जाएगा आइड्रोफोबिया क्या होता है पानी से डरने वाला और ये मिथ मतलब झूठ तो ये होता है झूठ बोलने से डरने वाला बोलो और ये क्या होता है ओपन मतलब खुली जगह से डरने वाला ओपन जगह है डर लगता है उसको जाता नहीं कहां पे पब्लिक प्लेस में तो इसका आंसर क्या बन गया देखो तो हमारा क्या बन गया देखो तो बन गया हमारा ये ये क्या होता है खुली जगह से डरने वाला कि ओपन जगह है उसको बहुत क्या होता है डर लगता है खुले में है पता नहीं क्या हो जाएगा ठीक है समझ गए मेरे भाई आगे बढ़े चलो चलो अब ये आपके लिए होमवर्क है मुझे बताए इसका आंसर क्या बनेगा तो हम कल मिलेंगे शाम को पाँच बजे कल हम क्या पढ़ेंगे जंबल एक क्लास और आपका टॉपिक पूरा खत्म ट्रिक से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो कल मिलते हैं मेरे भाई शाम को पाँच बजे अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए कोई डाउट है तो मुझसे पोस्त तो बाय तो बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत